नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि शिक्षा विभाग में सरकारी टीचरों की बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कि सरकारी टीचरों की नई भर्ती है साल 2024 की। महाभर्ती है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,000 से अधिक पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के आवेदन जो है सभी से मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर योग्यता की बात की जाए तो केवल 12th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीएड पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर वैकेंसी आउट की गई है। अगर आपका सपना है एक टीचर बनने का, वो भी सरकारी टीचर बनने का, तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं इस भर्ती के माध्यम से। आवेदन शुरू हो चुके हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी की बात की जाए तो 70,000 रुपए पर मंथ महीना आपको सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज है 18 से 40 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ICU में छूट है, अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी, और ओबीसी एनसीएल को 3 साल की ICU में छूट मिल रही है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से तो आप ये बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो कि सरकार के नियम अनुसार आपको यहां पर ICU में छूट भी मिल रही है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। कैसे अप्लाई करना होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको देंगे। और अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है वो भी जानकारी आपको देंगे। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी आपको दी जाती है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, इस चैनल के लोगों को आप पहचान लीजिएगा, और ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्ती के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी लेकर के अप्लाई जरूर कीजिएगा। डे बाय डे आपको रोजाना यहां पर नई जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, बाकी सारी जानकारी आपको देते हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswarrel.xyz, यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। आप यहां पर आकर के भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, रोजाना आपको सरकारी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, सभी कैंडिडेट्स जो हैं इन भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है DEE की तरफ से। आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम की तरफ से भर्ती निकाली गई है। कौन सी भर्ती है, टीचर की भर्ती है साल 2024 की। कौन कौन से टीचर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है आप यहां पर देख सकते हैं। असिस्टेंट टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर ऑफ अपर प्राइमरी की है, और साइंस ग्रेजुएट टीचर की है अपर प्राइमरी की। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचरों की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। अगर दोस्तों आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर बल्क में वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं 35,133 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। अप्लाई आपको सिर्फ ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन ही आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। और यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है, उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहां पर आपका दो प्रोसेस है सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। और सैलरी की बात की जाए तो 14,000 से 70,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस वैसे नहीं ली जा रही है, फिर भी आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट जो है यहां पर क्या रहेगी वो आपको बता दें, तो यहां पर जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल, ठीक है। और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। आसाम की आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन रहने वाली है, चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, किसी भी स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब आपको आसाम में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं क्या रहेगी, कम से कम 12th पास होना कंपलसरी है, अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड पास भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना होगा वो कंप्लीट प्रोसेस आपको यहां पर बता रखा है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपकी जो भी मार्कशीट है वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट, आपकी फोटोग्राफ, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है इस वैकेंसी से, वो आपके पास तैयार होने चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। और कैसे अप्लाई करना है सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, और आवेदन कैसे, कब से कब तक चलेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन कर दी गई है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहां पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लोअर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा कहां के लिए, सेंट्रल के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं आप, वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको नीचे आना है, उसके बाद यहां पर आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है वन बाय वन करके आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका नाम, ठीक है, मिडिल नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको खुद को क्रिएट करना है, सबमिट करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, लॉगिन करना होगा, ठीक है। आपको यहां पर लॉगिन करके अप्लाई करना है फिर से, ठीक है। तो यहां पर लॉगिन करना है जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। इस प्रकार दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके आवेदन कब तक चलेंगे, 12 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिंक भी आपको यहां पर दिए गए हैं। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं tipswarrelbuzz.xyz पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रोजाना आपको नई जॉब की जानकारी सबसे पहले यहां पर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।